दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने गैलरी के फोटो को जीमेल अकाउंट पर कैसे सेव कर रखें ताकि भविष्य में कभी भी आपका वह जो फोटो है ना वह डिलीट ना हो, जब चाहे आप उसे दोबारा रिकवर कर पाए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि गैलरी के फोटो को या वीडियो को हम जीमेल अकाउंट में कैसे सेव कर रखेंगे लाइफ टाइम के लिए। कभी हमारा फ़ोन रीसेट भी हो जाए फिर भी हमारा वह फ़ोटो और वीडियो हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको गैलरी की फ़ोटो को जीमेल पर सेव कर रखना नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए और आप भी सीखिए, भविष्य में कभी भी आपका जो गैलरी का फ़ोटो है या वीडियो है वह आपका कभी भी फ़ोन खो जाने के बाद में भी आप दोबारा उसे रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, अगर आज आप यह सेटिंग करते हैं तो भविष्य में कभी भी आपकी जो फोटो है ना आपकी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए दोस्तों बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आप लोगों को सबसे पहले गैलरी पे जाना है, आपके फोन में जो गैलरी है ना उस गैलरी पे जाइएगा। दोस्तों यहाँ हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है, हम यहाँ से एक फोटो लेंगे। फिलहाल मैं इस फोटो को ले रहा हूँ, इसी फोटो को हम आपको गैलरी में सेव कर बताएंगे। आप चाहे तो 10, 20, 50, 100 जितना मर्जी उतना सेव कर सकते हैं। मैं एक फोटो को बता रहा हूँ, फोटो पे आएंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर पे क्लिक करेंगे, नीचे आपका जीमेल आएगा, जीमेल पर क्लिक करेंगे। जैसे जीमेल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो भी जीमेल होगा फॉर्म पे आ जाएगा। अब आप इसको किस जीमेल पर सेव करके रखना चाहते हैं, अगर आपके फ़ोन में एक जीमेल है तो एक ही रखिएगा, अगर दो जीमेल है किसी और के जीमेल पर सेव रखना है तो टू में उस जीमेल को आपको डालना है। मैं देखिए टू में मैं उस जीमेल को डाल दिया जिस जीमेल पर मुझे ये फ़ोटो को सेव रखना है। तो आप अपने हिसाब से जो भी जीमेल पर रखना है आपका फॉर्म में आ जाएगा आपके फ़ोन का जीमेल, और टू में अगर कोई दूसरा जीमेल है तो उस जीमेल को डाल देना। अगर टू में अगर आपका इसी जीमेल को डालना है तो इसी जीमेल को भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, ये देखिए ब्लू कलर वाला, इसके ऊपर में सिर्फ सेंड कर देना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर में सेंड कर देंगे यह फ़ोटो आपके जीमेल पर सेंड हो गया है। अब इस तरीके से हम जीमेल पर जाएंगे, जैसे जीमेल ओपन करेंगे देख सकते हैं कि मेरा एक के यहाँ पर फोटो आ चुका है। इस तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फोटो है, इस फोटो को हम इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो डाउनलोड कंप्लीट यहाँ पर हो गया है, तो यह हमेशा के लिए हमारे जीमेल पर सेव रहेगा। यहाँ पर एक दो नहीं, जितनी फ़ोटो उतनी आप जीमेल पर सेंड कर सकते हैं एक बार में, और कभी भी आपका फ़ोन खो जाता है चोरी हो जाता है बस आप जैसे ही उसे जीमेल को लॉगिन करेंगे, इस तरीके से आप जीमेल पे आना है, उसे जीमेल से लॉगिन होना है और जो भी आपका ये जिस नाम से यह होगा उस नाम को यहाँ पे सर्च करेंगे, इस तरीके से आप क्लिक करेंगे वह फ़ोटो आ जाएगी। अगर 50-100 फोटो होंगे सबकी आ जाएंगी, जिसको डाउनलोड करना है इस एरो पर क्लिक कर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे फ़ोटो हो या वीडियो। तो इस तरीके से आप जीमेल पर कोई भी चीज़ों को सेव कर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।